वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूँ केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2019 मंथ की वो सभी अपडेट के बारे में जो इग्नू ने पूरे मार्च में की हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उन इम्पोर्टेंट अपडेट को इस वीडियो में शामिल करूंगा जो सभी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैं मंथ के लास्ट डे में ज़रूर बनाता हूं, बिकॉज जो स्टूडेंट कंटिन्यू हमसे नहीं जुड़ पाए हैं और जिन्होंने कोई भी वीडियो इस मंथ में नहीं देखी है, अगर वो इस वीडियो को देख लेता है तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन इग्नू की पहुँच जाती है कि कौन से दिन क्या अपडेट इग्नू की तरफ से आई है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट है इग्नू एमफिल और पीएचडी को लेके। इग्नू ने 8 मार्च को एमफिल और पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया था जो कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए था। तो जिन सभी स्टूडेंट ने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो जुलाई 2019 सेशन में एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट की। सेकेंड अपडेट भी एमफिल और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड ही है, बिकॉज 29 मार्च को इग्नू ने एमफिल और पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भरे गए थे उनके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं, जिसका एंट्रेंस टेस्ट 7 अप्रैल को होने वाला है। तो जिन सभी स्टूडेंट ने एमफिल या पीएचडी में अप्लाई किया था वो सभी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 7 अप्रैल को अपना एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट 14 मार्च को इग्नू की तरफ से आई थी जो कि थी 32 कॉन्वोकेशन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू हर साल कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम रखता है जिसमें उन सभी स्टूडेंट को उनकी ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्होंने इग्नू से अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट किया हो। तो इस बार 32 कॉन्वोकेशन होने वाला है जो कि 3 अप्रैल को इग्नू हेडक्वार्टर पर होगा और इग्नू के रीजनल सेंटर पर कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी के लिए इग्नू ने गाइडलाइंस रिलीज़ की थी। सो 32 कॉन्वोकेशन के लिए इग्नू ने गाइडलाइन इशू की थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस तरह से आपको वहां पर पहुंचना है, क्या उसकी टाइमिंग होगी, क्या आपका ड्रेस कोड होगा। वो सभी बातें 32 कॉन्वोकेशन के गाइडलाइन पेज में दी गई थी। जो पेज आपके सामने हैं कुछ इसी तरह की गाइडलाइंस आपको इस 32 कॉन्वोकेशन के लिए दी गई हैं। कॉन्वोकेशन 3 अप्रैल को होगा और 10:30 बजे की इसकी टाइमिंग है। तो जिन सभी स्टूडेंट ने कॉन्वोकेशन में अप्लाई किया था या रजिस्ट्रेशन किया था वो सभी 3 अप्रैल को इग्नू का कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हैं और अपनी ओरिजिनल डिग्री या सर्टिफिकेट इग्नू से ले सकते हैं। फोर्थ अपडेट इग्नू की तरफ से जो आई थी उसमें बताया गया था कि इस बार जनवरी 2019 सेशन में कितने स्टूडेंटों ने इग्नू में एडमिशन लिया है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में हो। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो इग्नू ने यूजीसी को सबमिट की थी, बिकॉज इग्नू अपनी जो लिस्ट स्टूडेंट की है वो यूजीसी को सबमिट करता है और बताता है कि कितने स्टूडेंट ने इस सेशन में एडमिशन लिया है और उनके क्या क्या कोर्सेज थे। तो वो लिस्ट भी इग्नू की वेबसाइट पे अभी पब्लिश हुई थी एंड इस लिस्ट में 136,273 स्टूडेंट थे जिन्होंने इग्नू में जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है। यानी ये सभी स्टूडेंट इस बार इग्नू का हिस्सा बने हैं और जो आने वाले सेशंस हैं उनमें और भी स्टूडेंट इग्नू में जुड़ेंगे। तो ये लिस्ट इग्नू ने यूजीसी को सबमिट की थी, बट इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि आपकी यूनिवर्सिटी में हर साल कितने एडमिशन हो जाते हैं। तो ये 193,273 स्टूडेंट इस बार जनवरी सेशन में आए हैं और इसी तरह से जुलाई सेशन में भी कुछ इतने ही बल्कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट BCA को लेकर है, बिकॉज इग्नू ने BCA प्रोग्राम की जो गाइड थी उसको दोबारा से मॉडिफाई किया है यानी रिवाइज्ड किया है। तो उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो फीस को लेकर हों, चाहे वो कोई टाइमिंग को लेकर हों, तो BCA प्रोग्राम की ओवरऑल जितनी डिटेल थी वो इस लिस्ट में रिवाइज्ड की गई थी और ये लिस्ट इग्नू ने जनवरी 2019 सेशन के स्टूडेंट के लिए रिलीज़ की थी। एंड अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, वो ये है कि जो इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि इग्नू ने जून 2019 सेशन के लिए जो भी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है।
पहले ये लास्ट डेट 31 मार्च 2019 तक थी, अब इसे बढ़ाकर 15 मई 2019 तक कर दिया गया है। यानी जिन स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट नहीं बनाए थे या जिनके कंप्लीट नहीं हुए थे, अब वो 15 मई तक अपने असाइनमेंट बनाकर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिकॉज इग्नू का जो जून 2019 का एग्जामिनेशन फॉर्म था उसकी लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट की लास्ट डेट को 15 मई तक कर दिया गया है, तो उसी की वजह से जो इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो फॉर्म स्टूडेंट फिल करते हैं अब अपने एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी लास्ट डेट को भी बढ़ाया गया है। अब इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल तक कर दी गई है। पहले एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च तक थी, और अगर आप अभी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर अभी 31 मार्च तक ही शो होगा, बट लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। वहाँ पर अभी ये लास्ट डेट अपडेट नहीं हुई है, बट 1 से 2 दिनों में आपको वहाँ पर अपडेट दिख जाएगी। जहाँ पर 31 मार्च लिखा हुआ है वहाँ पर 15 अप्रैल शो होगा, और ये लास्ट डेट विदाउट लेट फीस है, यानी आपको कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आप 15 अप्रैल तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं जून 2019 एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है री रजिस्ट्रेशन को लेके, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं, जिन्होंने लास्ट ईयर जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था, वो सभी जुलाई 2019 सेशन में भी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये री रजिस्ट्रेशन करना सभी के लिए कंपलसरी होता है, जिनको सेकेंड ईयर में अपेयर होना है या सेकेंड सेमेस्टर में अपेयर होना है, तो उनको री रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा। और री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मई यानी 31 मई 2019 तक है। 31 मई से पहले आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले एग्ज़ाम देने हैं तब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। आप पहले री रजिस्ट्रेशन जरूर करें, उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम दें, बिकॉज अगर री रजिस्ट्रेशन की डेट ओवर हो जाती है तो बाद में आपको चांस नहीं मिलता है कि आप दोबारा से री रजिस्ट्रेशन कर सकें, जिससे आपका पूरा का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जिन सभी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अपने रजिस्ट्रेशन 31 मई से पहले कंप्लीट कर लें। सो इसी दौरान जो दिसंबर 2018 रिजल्ट था उसकी भी अपडेट आई है काफ़ी सारी, बिकॉज मैंने सभी अपडेट की डिटेल आपको नहीं दी है, बिकॉज 2 से 3 दिन में एक नई अपडेट देखने को मिलती है, तो ये आपको रेगुलरली चेक करनी होगी। और काफ़ी स्टूडेंट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, सो उन सभी को मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर अभी तक आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और उस सब्जेक्ट का रिजल्ट आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का आ चुका है, तो आप अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज हो सकता है कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका रिजल्ट ना आया हो। सो ये सारी अपडेट मार्च 2019 में इग्नू की तरफ से देखने को मिली है। आई होप आपको सभी अपडेट मिल गई होंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, बट मैं सबके कमेंट जरूर देखता हूं और कोशिश करता हूं मैक्सिमम कमेंट्स पर रिप्लाई करने की। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है और आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।